हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यहाँ चॉकलेट बॉल्स बताना बता रही हूँ। जैसे हमने पिनाटा केक के लिए बॉल्स बनाया था बड़ा, उसी में ये हमको छोटे बनाने हैं बॉल्स। तो जिसके लिए मैंने यहाँ ये दो मोल्ड ले लिए हैं। ये एक छोटा है, जैसे आप देख सक रहे हैं इसका छोटा साइज़ है, और एक ये बड़ा साइज़ है। तो पहले हम ये वाइट चॉकलेट बनाएंगे वाइट चॉकलेट से, फिर आपको डार्क चॉकलेट से बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हम पहले से चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है मैंने, इसे हम माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं और डबल बॉइलिंग मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉइलिंग मेथड क्या होता है? डबल बॉइलिंग मेथड में आपको एक बर्तन लेना है, जैसे कि मैंने ये बर्तन लिया है, इसमें आप थोड़ा पानी ले लीजिए और इसे गैस पर रख दीजिए। अच्छे से ये पानी गर्म होने दीजिए और उसके ऊपर आप ये फिर चॉकलेट वाला अपना बर्तन रख दीजिए। चॉकलेट का जो बर्तन है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको उसकी स्टीम से ही इसको चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो आपका चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी 2 मिनट में चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट 2 मिनट पर आपको चॉकलेट को नहीं रखना है, क्योंकि उससे चॉकलेट जलने का खतरा होता है, उससे आपकी चॉकलेट जल सकती है। तो ये रिस्क ना लें, इसलिए इसको पहले 30 सेकंड के लिए मेल्ट करें, फिर 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड, ऐसे करके आप 2 मिनट में इसको मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसे 1 मिनट पर किया था माइक्रोवेव, तो ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, इसमें कहीं कहीं आपको अभी भी लम्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा टाइम इसको और रखेंगे माइक्रोवेव में। चॉकलेट अब हमारा बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये मोल्ड ले लेंगे और मोल्ड में हमें इसे सारे इसमें भरना है अच्छी तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा चॉकलेट है, हम इसका चॉकलेट एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अभी हम इसको थोड़ा देर साइड में रखते हैं, तब तक हम ये वाला बना लेते हैं। इसी में इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसका भी सारा एक्स्ट्रा चॉकलेट हम निकाल लेंगे। इसे इस तरह से 2-3 बार घुमाएंगे और फिर इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि चॉकलेट थोड़ा थिक हो जाए, और थिक होके वो एक अच्छी मोटी थोड़ी परत वो ले ले। शेल अगर आपके पतले रहेंगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे और अच्छे प्रॉपर नहीं बनेंगे। अब इसे हम एक बार इस पर पलट देंगे। देखिए, इसका एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल गया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे और एक बार फ्रिज में थोड़ा देर सेट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। फिर अगेन इसको हम निकाल के फिर से हम इस पे चॉकलेट लगाएंगे। इसका भी एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल गया है, इसे हम फ्रिज में रखेंगे अभी कुछ देर के लिए। अब इसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, ये देखिए थोड़ा हार्ड हो गया है अभी, तो अभी मैं इसके ऊपर फिर से चॉकलेट लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2-3 बार इसको लेयरिंग करनी पड़ेगी, 2-3 बार कोट करना पड़ेगा चॉकलेट का, उसके बाद ही हम इस पर इसको शेल को निकालेंगे, जिससे कि अच्छे से शेल जो है थिक हो जाएंगे, और अच्छे से थिक हो जाएंगे इसके बाद वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से 2-3 बार इस प्रोसीजर को करें। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये शेल टूट जाएंगे और प्रॉपर निकलेंगे नहीं, तो अच्छे से 2-3 बार इस प्रोसीजर को करें। कि अब हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से बन गए हैं, सो डीमोल्ड करके देखते हैं हम। ये देखिए कितना अच्छा शेल निकल गया हमारा। ये देखिए, अब इसे हम ऐसे मिला के इसे बॉल बनाएंगे। ये देखिए, हमारे सारे बॉल्स अच्छे से निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, ये इसको 2 शेल को लेंगे और इस पर थोड़ा सा चॉकलेट लगाएंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे।
ये थोड़ा जो आपको दिख रहा है इस पर हम थोड़ा सा फिलिंग कर देंगे। देखिए हमारा ये चॉकलेट बॉल रेडी है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। तो हमने यहाँ ये स्मॉल वाले बॉल्स बना लिए हैं। अब हम ये बड़े वाले जो हमने बनाए थे ये निकाल लेते हैं, इसे रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेल निकला है इसका। इस पर भी हम ऐसे ही चॉकलेट लगा के एक दूसरे को स्टिक करेंगे। जहां आपको गैप्स दिख रहे हैं वहां पर आप थोड़ा सा और व्हाइट चॉकलेट लगाइए। ये देखिए थोड़े से चॉकलेट्स लगाने से ये गैप्स फिल हो जाते हैं। तो यहाँ ये हमारे दोनों साइज के बॉल्स रेडी हैं। अब हम इनको केक पर लगाएंगे। ऐसे ही आप डार्क चॉकलेट से, मिल्क चॉकलेट से, कोई भी चॉकलेट कंपाउंड से आप इसको बना सकते हैं। Thank you.